नमस्कार, मैं हूँ पिंकी। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं हाथरस जिले के अगनौर गांव में, मिलते हैं यहाँ के वर्तमान प्रधान जी से। प्रधान जी, आप अपने और अपने गांव का परिचय दीजिए। मेरा गांव अगनौर डिस्ट्रिक्ट से सिकंदराव ब्लॉक। प्रधान जी, ये क्या गांव की पंचायत है? तीन गांव की। कौन कौन से? अगनौर, मूला, बक्सी और मूला। टोटल पोलिंग कितनी है? अभी पोलिंग 2300 की है। 2300 की है। 2300 की है। तो आपको कितने वोट पड़े थे और कितने वोटों से आपको विजय हासिल हुई थी? हमें 109 वोटों से विजय हासिल। प्रधान जी, जब से ही आपने प्रधान पद की कुर्सी संभाली है तो आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य, एक हमने पंचायत में इंटरलॉक कराई है, नंगला उत्पुर में हमने एक इंटरलॉक गली कराई है, और जूनियर हाई स्कूल में मतलब हमने एक गली कराई है, और नंगला बक्सी में रोड डलवाई है, पानी का भराव होता था, नालों के गड्ढे बनवाए हैं, एक नाली की सफाई कराई है और नदिया कार्य मिट्टी कार्य। ये आपने मिनी सचिवालय में क्या क्या कार्य कराया? मिनी सचिवालय में फर्नीचर वगैरह आ गया हमारा, सीसी कैमरा भी आ गया, सीसीटीवी कैमरा आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, और ये सामान। कितने मजदूर लग रहे हैं प्रधान जी मनरेगा में कार्य के लिए इस समय? जी, इस समय मजदूर करीब 40-45 मजदूर अभी काम करें, तालाब पर काम चल रहा है। तालाब पर काम चल रहा है। कितने रुपये पर उनको वेतन मिलता है? पहले तो 204 थे, अब 213 बताते हैं, लेकिन अभी पता पड़ेगा मतलब मिले। उनके सभी के जॉब कार्ड्स बने हुए हैं? हाँ, जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड घर भी कार्य करने जाते हैं, बगैर जॉब कार्ड मिल जाएगा, जिसका जॉब कार्ड होगा वही कार्य करेगा। वही प्रधान जी, जूनियर हाई स्कूल है आपके गांव? हाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है, और ये प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी भी है। प्राइमरी स्कूल में आपने क्या क्या कार्य करा दिया? प्राइमरी में भी हमारा बिल्कुल बिल्डिंग है, उसकी जगह पड़ी है, उसकी नीलामी होगी, उसके बच्चे का जूनियर स्कूल में ही अगर शिफ्ट कर दिया। तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? मिड डे मील चलिए, स्कूल में नहीं बनता खाना? स्कूल में ही तो बनता है जी, प्रधान अध्यापक उसके इंचार्ज है और रसोईयां हैं तो वो बनाती हैं। तो कभी आप खाने की क्वालिटी जाकर चेक करते हैं कैसा है खाना? गए 2-4 महीने, खाना सही है, हर गांव का स्कूल है, सही बन गया। और बच्चों के लिए शौचालय पंखे वगैरह की कैसी व्यवस्था है? शौचालय भी है, पंखा भी है। आपने दिव्यांग शौचालय वगैरह जो होते हैं? दिव्यांग शौचालय मेरे समय से पहले बन गया है, बना चुका है, और शौचालय भी बनने हैं। आपने कितने लोगों की अब तक पेंशन बनवा दी है, जैसे वृद्धा, बुजुर्ग, विकलांग लोग? ऐसा अभी पेंशन के हमने फार्म तो भरा दिए, लेकिन मेरे शासनकाल की आई एक भी नहीं है, अभी एक भी नहीं आई है। प्रधान जी, जैसे फार्म तो मैंने भरा है। जी जी, फार्म आपने कितने लोगों के भरवा दिए? करीब भरवा दिए मैंने 15-20 आदमी, 15-20 आदमियों के फार्म भरवा दिए, लेकिन अभी उनकी पेंशन आई नहीं, स्वीकृत नहीं। प्रधान जी, जैसे कि हम देखते हैं गाँव में ज़्यादातर जो मुख्य समस्या होती है वो राशन को लेकर होती है, आपके गांव में राशन को लेकर कोई समस्या? राशन सही बट रहा है। एक यूनिट पे कितना मिलता है? एक यूनिट पे 5 किलो। 5 किलो पूरा देते हैं या कुछ कटौती होती है? पूरा सब खर्चा तो होता ही है, हल्का पूरा तो मानेंगे, राशन हर महीना मिलता है। हर महीने मिलता है, महीना मिलता है, फ्री वाला भी मिलता है, अब तो महीने में 2 बार मिलता है। कितने परसेंट वैक्सीनेशन हो गया आपके गाँव में? वैक्सीनेशन यहाँ हो गया 90%। 90%। और प्रधान जी, जैसे कि अब तो 12-18 साल के बच्चों के लिए भी कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं आपके गांव में, स्टार्ट हो गए? लग गए हमारे यहाँ, लग रहे हैं। वो उसका कितना परसेंट हो गया? और उसकी परसेंट में मालूम नहीं, अभी शुरू हुई है, अभी शुरुआत हुई है, ये बहुत लग गए। जैसे गर्भवती महिलाओं के जो टीकाकरण होते हैं, आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है उसमें लगाए जाते हैं, वो टाइम टू टाइम लगते हैं? जैसे गर्भवती भैया उन्हें मालूम है, लगता है टीके सबके रहे, आंगनबाड़ी भी है, आशा भी है, सबके टाइम से। और आपके गांव में मिनी वो है उपचार केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र भी है हमारे, उसमें क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं? सुविधा गाँव में अगर तो कोई लेडीजों की सुविधा है, वैसी सुविधा तो नहीं है, जैसे लेडी गर्भवती हैं उनको जैसे चर्चे पैदा होते वो वहाँ की सब सुविधा है, वो सिकंदराव कराती हूँ आशा ढंग से ले जाती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर अभी भर्ती की कोई सुविधा नहीं है? भर्ती की सुविधा नहीं, जैसे कोई जाता है मरीज उनके लिए दवाई वगैरह सही मिलती है? मरीज की पैसे की दवा नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ लेडीजों की है, लेडीजों की वैसे बुखार जाने की कोई दवा वैसे नहीं। जैसे आपके गांव से कितनी दूर है स्वास्थ्य केंद्र? कितनी दूर है स्वास्थ्य केंद्र? है नज़दीक 200 मीटर। प्रधान जी, आप कोई ऐसी कार्य के बारे में बताना जो आप कराना चाह रहे हैं, सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है या गाँव की जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? और काम तो ना सपोर्ट चुना करेगी, गवर्नमेंट पैसा भेजिए काम चुना कराएंगे, और ना व्यक्तिगत कोई तरीका दे, एक प्रधान है निधि दे दे
नहीं निधि वाली बात नहीं है, जैसे आपने कोई प्रस्ताव रखा, मान लो आप कोई नई योजना लाना चाहते हैं। प्रस्ताव में बता तो रहा, प्राइमरी पाठशाला ही कीजिए सबसे ज्यादा, प्राइमरी पाठशाला जर्जर पड़ी है, बिल्कुल जर्जर पड़ी है। मैंने पोर्टल पे भी कई बार डाल रखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। अरे वो बच्चे वो जूनियर स्कूल में हम शिफ्ट कर रखे, अगर उसमें पढ़ेंगे तो कोई छत गिर जाए, कोई बात हो जाए, एक बच्चा का हादसा होगा, इसलिए हम जूनियर के दो कमरे दे रखे हैं। लिखित में पोर्टल पर डाली है, ब्लॉग में, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे स्कूल की, स्कूल की समस्या है। और दूसरी समस्या ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी हमारे दो चार चार हैं, एक केंद्र एक भी नहीं है आंगनबाड़ी के, कोई जूनियर स्कूल की बिल्डिंग में ये सब तैर रहे हैं। अगर उनकी बिल्डिंग वगैरह बन जाए तो काजी मतलब उनके कम रह जाएंगे मतलब, बस ये समस्या सबसे ज़्यादा हमारी, एक प्राइमरी की और एक आंगनबाड़ी की। गौशाला वगैरह है आपके गांव में? गौशाला हमारे यहाँ से नजदीक पे, यहाँ पे सारा है गांव में, वहाँ पे गौशाला। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।